Dear students, in this module, we are going to talk about the conflict perspective. In our previous module, we discussed the structural functionalist perspective, which maintains that there must be social order in society, there must be restoration of peace in society, and all the groups and group members in the society are perpetually or continuously struggling to maintain the social order in society however, conflict perspective disagrees to this point of view and says that there is a continuous struggle for resources in the society that would ultimately lead to the conflicting situation. the conflict theoretical perspective views the society as a struggle between groups which are competing for resources and power. पावर के लिए और रिसोर्स के लिए एक दूसरे से कम्पीट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ज़्यादातर एक्नॉमिक सिस्टम की बात करता है जैसे कैपिटलिस्टिक कैप्टलिस्टिकनॉमिक सिस्टम है जिसमें के दो क्लासेस कंटिन्यूसली एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में होती हैं जो प्रोलिटेट क्लास है या वर्किंग क्लास है वो एक्सप्लॉटेटिव होती है एक्सप्लॉइटिड होती है और जो बुरजुआ क्लास है या जो एलीट क्लास है जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक ऐसी पोजिशन पर होते हैं जिसमें वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइड कर सकें तो ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है बिटवीन टू क्लासेस, जिसकी बदौलत कॉन्फ्लिक्ट uh, पर्सपेक्टिव ये मेंटेन करता है कि इन ही बेसिकली वो बाइंडिंग फोर्स होती है जो एक सोसाइटी को आपस में जो है वो जोड़े रखती है थोड़ा सा इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी एक कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है लेकिन थोड़ी सी कोविड होती है इस तरह से कि जिस जितनी विजिबल ये इकोनॉमिक सिस्टम में है उतनी शायद हमें बाकी सिस्टम्स के अंदर नज़र नहीं आती है जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है तो एजुकेशन सिस्टम में भी हम देखते हैं कि एक कंटिन्यूस कंपटीशन की फ़िज़ा रहती है बड़े लिमिटेड पोजीशंस के लिए लोग आपस में कम्पीट करते हैं जो इसमें कम्पीट कर जाते हैं वो प्रवलेज पोजिशन के ऊपर चले जाते हैं और जो कम्पीट नहीं कर पाते हैं वो सफ़र करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव जो है इन अचल इट दिस अप्रोच एम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पावर एंड इनक्वालिटी इन शेपिंग ऑल दी सोशल रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो दैट अप्लाइज टू स्टडिंग द स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स दैट मे इंक्लूड एथनिक ग्रुप्स रिलीजियस ग्रुप और डिफरेंट क्लासेस विद इन द पाकिस्तानी सोसाइटी फॉर डिफरेंट रिसोर्स एंड पावर जैसे हम पोलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पोलिटिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं दे आर कंटिन्यूसली इन स्ट्रगल इन द स्ट्रगल ऑफ़ पावर तो स्ट्रगल ऑफ पावर के नतीजे में uh, कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो पैदा होता है बाज़ूत ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये वायलेंस की शक्ल भी अख्तियार कर जाता है तो ओवरऑल जब हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखेंगे ह्यूमन बिहेवियर को देखेंगे और पर्टिकुलरली उसके सोशल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि माशरे जो हैं वो इनक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं और इसी को सोशालोजिस्ट फोकस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू ताकि उसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसको एनालाइज कर सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें